नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एग्जाम से पहले आप लोगों को मैं ओसीपी मशीनरी दे दूंगा, क्योंकि मैकेनाइजेशन का जमाना है, आउटसोर्सिंग का जमाना है, तो ये लाजमी है दोस्तों कि आपका एग्जाम में ओसीपी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और ओसीपी मतलब मशीनरी और ओसीपी ब्लास्टिंग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइनिंग मशीनरी इन ओपन कास्ट माइंस। सबसे पहला क्वेश्चन ओपन कास्ट माइंस में क्या आएगा कि भाई ओपन कास्ट माइंस में जो मशीनें चल रही है क्या है, कि ओपन कास्ट माइंस में जो मशीनें चल रही है उसका नॉइज लेवल क्या होगा, क्या होगा 85 dB, 85 dB। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट मशीनरी जो भी चल रहा है, माइंस मशीनरी जो चल रहा है उसका नॉइज लेवल क्या होगा, क्या होगा 85 dB, 85 dB। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओसीपी में जो भी मशीन चलता है उसका सबसे पहला चीज क्या है भाई, कि ब्रेक टेस्ट। ओसीपी में जो मशीन चल रहा है भाई, उसका डंपर चल रहा है, बड़ा बड़ा डंपर चल रहा है, हाई वाट चल रहा है, उसका भाई ब्रेक टेस्टिंग कितने दिनों के अंदर में कर लेना है, कितने दिनों के अंदर में करना है, हर 15 दिन में ऑल ब्रेक, जितने भी तरह का ब्रेक है उसका हम लोग का जांच कितने दिन के अंदर कर लेना है, ब्रेक टेस्टिंग 15 दिन के अंदर में हम लोग को कर लेना है। अब दूसरा चीज क्या बोलता है कि सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक जो होता है उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे मानेंगे कि मेरा सर्विस ब्रेक जबरदस्त है, कैसे चेक करेंगे कि जब गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और अगर हम ब्रेक मारें तो उसको 21 मीटर के अंदर में रुक जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि मेरे सर्विस ब्रेक टाइम से पक्का। सर्विस ब्रेक का एग्जामिन कितने पे होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर डंपर है और अगर हम ब्रेक लगाते हैं और उसको कितने देर के दूर के अंदर में रुक जाना है, 21 मीटर के अंदर में हमको रुक जाता है, तो हम मानेंगे सर्विस ब्रेक मेरा टेंशन तगड़ा है। ठीक है, अब इसमें तीसरा चीज क्या आता है, पार्किंग ब्रेक। भाई गाड़ी को पार्क करना है तो पार्किंग ब्रेक का जो टेस्टिंग का जो परिणाम हम लोग पैरामीटर रखे हैं वो क्या रखे हैं कि लोड डंपर, लोड डंपर क्या है कि 15 डिग्री ग्रेडियंट पे अगर 10 मिनट रुके तो मानेंगे कि भाई मेरा जो पार्किंग ब्रेक है वो टंचर तगड़ा है। पार्किंग ब्रेक में फर्स्ट टर्म क्या है, ग्रेडियंट 15 डिग्री और टाइम मिनिमम 10 मिनट्स, क्या चीज, लोड डंपर। अगर ये चीज को फॉलो करता है तो मेरा पार्किंग ब्रेक टंचर तगड़ा है। ठीक है, पार्किंग ब्रेक में क्या क्या चीज है, लोड डंपर, ग्रेडियंट कितना 15 डिग्री, कितना टाइम मिनिमम 10 मिनट्स। अगर डंपर रुक रहा है, लोड डंपर, तो मानेंगे कि मेरा पार्किंग ब्रेक तगड़ा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ओपन कास्ट माइंस है, लाजमी है कि उसमें डंपर चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन उभर के ये आ रहा दोस्तों कि कितने बड़े डंपर में मेरा जो फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर या फायर से लड़ने की ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, कितना बड़ा डंपर में, क्वेश्चन क्या है कि कितने टन के डंपर में फायर फाइटिंग की ऑटोमेटिक व्यवस्था होनी चाहिए, कितने पे, 50 टन से बड़ी जो भी डंपर होगी उसमें ये फायर फाइटिंग की ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम लोग पकड़ते हैं क्या, पहला मशीन क्या है वो सॉबेल, लॉप सॉबेल। ठीक है, तो हर मशीन की तरह पहला क्वेश्चन इसका भी है कि भाई ये टायर पे है या चैन पे है या एएफसी पे है, तो किस पे है, ये क्लाउलर चैन पे है। पहला क्वेश्चन कि रोप सॉबेल किस पे चलता है भाई, क्लाउलर चैन पे चलता है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई सॉबेल जो है वो आपका क्या है, बकेट सहित कितने डिग्री एंगल तक घूम सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉबेल का कि बकेट सहित सॉबेल कितने डिग्री एंगल तक घूम सकता है, कितने डिग्री तक, 360 डिग्री एंगल तक पूरा गोलाई सिलेंडर में सॉबेल घूम सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि
सॉवेल में यूज आने वाला डंपर जो है वो कैसा होगा, कितने पैकेट में भर जाना चाहिए भाई? जो सॉवेल के साथ में जो डंपर लगा रहे हैं हम, जो यूज में ला रहे हैं, उस डंपर का साइज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो 4 से 5 बाकेट में आपका डंपर भर जाए, ऐसा ही हमको डंपर सॉवेल के साथ में लगाना है। सॉवेल के साथ में कैसा डंपर यूज करना है? जो 4 से 5 बाकेट में ही डंपर को मेरा भर दे। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि मैं ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टॉपिक पे कैसे बन सकता है, मैं सिर्फ मशीन की उन्हीं बिंदुओं को लेके आ रहा हूं। दोस्तों मन में कोई डाउट मत रखना आप कि सर इस तरह से फंसा रहे, नहीं मैं बिल्कुल वही चीज दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन पैदा हो सकता है, बात समझ रहे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सॉवेल की साइज, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि सॉवेल की जो साइज है वो किससे पहचान में आती है भाई? सॉवेल की साइज हम लोग बकेट साइज से पहचानते हैं, किसे पहचानते हैं? सॉवेल की साइज बकेट के साइज से हम लोग पहचानते हैं। अब इसमें एक ट्रिक है, अगर कोई आदमी बोले कि भैया फलना सॉवेल का बकेट कैपेसिटी 10 क्यूबिक मीटर है, तो हम लोग उस सॉवेल का क्या नाम रखेंगे कि सॉवेल जो है वो 10 क्यूबिक का, बकेट कैपेसिटी इक्वल टू सॉवेल का नामकरण या सॉवेल का साइज, दोनों इक्वल, जितना का बकेट कैपेसिटी उतना सॉवेल का साइज, यानी 10 क्यूबिक मीटर का बकेट साइज है तो 10 क्यूबिक का आपका सॉवेल हो गया, सीधा सा फंडा। तो सॉवेल की पहचान किससे होगी? उसकी बकेट की साइज से होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस साइज के सॉवेल के साथ में किस साइज का डंपर हम लोग को इस्तेमाल करना है? क्वेश्चन क्या है, अगर हम क्वेश्चन को यह बनाए कि स्मॉल सॉवेल के साथ कितने से कितने टन का डंपर हम लोग इस्तेमाल में लेंगे, स्मॉल सॉवेल के साथ, तो स्मॉल सॉवेल के साथ में क्या लेंगे, 35 टन से 50 टन तक का हम लोग डंपर लेंगे, और अगर बिग सॉवेल की हम लोग बात करें तो उसमें कौन सा डंपर इस्तेमाल होगा, 85 टन, स्मॉल में 35 से 50 टन डंपर, और बिग सॉवेल की अगर हम बात करें तो उसमें 85 टन डंपर हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। और अगर हम बात ये करें, क्वेश्चन मेरा ये दाग दे कि 15 क्यूबिक मीटर और 20 क्यूबिक मीटर बकेट साइज का अगर सॉवेल है तो उसमें कौन सा डंपर हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे, कितना कितना, 15 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी का सॉवेल है और 20 क्यूबिक मीटर का बकेट कैपेसिटी का अगर सॉवेल चल रहा है तो उसमें हम लोग को कौन सा डंपर लगाएंगे, 120 से लेके 170 टन वाले डंपर जो हम लोग, कौन सा डंपर है 120 से 170 का, कौन सा डंपर है, नॉट ए डीजल, ही इज अ इलेक्ट्रिक डंपर है, वो हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, 15 से 20 में 120 से 170 टन वाले डंपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला बोलता है कि कौन कौन सा जो डंपर जो है ना भाई वो डीजल से चलता है और कौन इलेक्ट्रिक से चलता है, तो 85 टन तक का जो डंपर जो है ना वो किससे चलता है भाई, डीजल से, और 85 टन से ऊपर जैसे हम लोग आते हैं 120 और 170 टन का जो डंपर होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डंपर होते हैं। 120 से 170 तक का जो डंपर होता है वो कौन सा डंपर होता है, डीजल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक डंपर होते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों कि जो डंपर में सस्पेंशन सिलेंडर जो लगा रहता है दोस्तों उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गैस सिलेंडर, सस्पेंशन सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। दोस्तों आज ये ओपन कास्ट माइंड मशीनरी का पहला वीडियो मैंने सॉवेल से उठाया हूं और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, इसको यहीं तक रोकता हूं, अगला वीडियो में मैं आपको ड्रग लाइन दूंगा। और दोस्तों मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे हिम्मत को इसी तरह बढ़ाते रहे, मेरे साथ जुड़ते रहे और मेरे जो भी प्रस्तुति है उस पर कमेंट जरूर करें दोस्तों, कि कमेंट ही मुझे क्या करता है, बूस्ट करता है दोस्तों, तो कृपया बूस्ट करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।